अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माय गॉड, लड़की इतनी चालाक निकली ना, क्या प्लान बनाया है इसने, सोचा भी नहीं था मैंने। नो वंडर वो डिवोर्स के पेपर साइन करने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो गए। भाई मैं सोच रही थी इतना बड़ा सैक्रिफाइस कैसे कर रही है, अब समझ में आया मुझे। क्या क्यों क्यों कर रही इतना बड़ा वो सैक्रिफाइस, इतना बड़ा सैक्रिफाइस, बलिदान तुम्हारे लिए, बलिदान मेरे लिए, आरवी के चंगुल से आजादी, क्यों कर रही है? तुम समझ नहीं रहे हो, पूर्वी ने, अब से हम यही मिलेंगे, मेरे घर पे नहीं। क्या हो गया, पैर पटक पटक के आ रही हो? सबसे बुरा दिन था मेरे लिए, जितना बुरा हो सकता था ना हो गया। एनीवेज अब क्यों बुलाया यहाँ पर, जा रही थी ना मैं आधे घंटे में आरवी के घर पे, कुछ अर्जेंट था इसीलिए बुलाया। अब क्या हो गया? तुम्हारा तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ये बात आरवी और पूर्वी को पता चल गई है। क्या? कैसे? वो उनके जो चमचे हैं, योगर दिया, उन्होंने जाके बताया। पर पता कैसे चला? अब मैडम आप सड़क पे अगर तमाशा करेंगी तो किसी ना किसी को तो पता लगेगा ही ना। जब वहाँ सड़क पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तमाशे कर करके तुमसे ब्रेकअप कर रहा था, वो लोग वहीं पे थे, उन्होंने देख लिया। क्या करते रहते तुम लोग यार, सड़क पे तो कोई लड़ता है, अभी लड़ना है तो कहीं और जगह लड़ते, पूरे गांव को बता दिया। एनीवे ओके 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 ओके, अब हुआ ये है, पूर्वी को पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसे पता था तुम अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए उसने इतनी आसानी से सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो अपने पति को डिवोर्स दे रही है, उसकी शादी तुमसे करवा रही, क्योंकि वो इतनी श्योर थी कि शादी तो होगी ही नहीं, जस्ट बिकॉज उसे पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसने सोचा वो जैसी नीतिका मना करेगी वो ये चीज कोर्ट में यूज करेगी, आरवी का केस पड़ जाएगा ढीला, वो छूट जाएगा, बात ही खत्म। और हुआ भी तो भाई ना जैसा उसने सोचा था, उसने सोचा था तुम्हें ऑफर देगी, तुम तो मना कर दोगी, भाग जाओगी, और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ ना, भाग ही गई तुम डर के, तुम्हें लगा ही वो शादी करवा देगी, मना कर दिया तुमने तो बस डन। अरे क्या बात है पूरी, मतलब क्या बात है यार, क्या लड़की ने दिमाग चलाया मोनिशा, इस पे तो तारीफ बनती है यार, एक बार तो तारीफ बनती है, क्या बात है यार, मतलब जितना मैं मानता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट निकली, मतलब ऊपर से भी ऊपर वाला दिमाग चलाया उसने, सोचो तो सही क्या किया उसने भाई, वाह वाह वाह, मतलब वो एक मासूम सी जान, मासूम सी लड़की, अकेले जो हम तीन नहीं कर पाए वो उसने अकेले कर पाया, क्या बात है भाई, वाह वाह, हमें सीखने की जरूरत है कुछ, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड। ओ हेलो भाई साहब, किसकी साइड हो तुम? मैं, यू नो व्हाट, ये बताओ एंड में स्मार्ट कौन निकला, वो कि हम लगा लिया ना पता। एनीवे यहाँ तक तो सब सही था, बट अब प्रॉब्लम ये कि उसे पता चल गया है, लेकिन पूर्वी ने एक चीज तो सोची ही नहीं, उसने ये बात तो सोची नहीं थी कि उसको लगा तुम भाग गई, वहां तक उसने सोचा था, अब उसने ये नहीं सोचा था कि तुम वापस आ गई, ये तुमने शादी के लिए हाँ कर दी तब क्या होगा, क्योंकि वो तो वही सोच रही थी कि नेहा तो उसकी जिंदगी से निकल चुकी है हमेशा के लिए, टाटा बाय बाय, पर वो अब लौट के तो नहीं आई, लेकिन अब क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, उसके लिए तो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हमारे लिए भी पड़ गई। हमारे लिए कैसे, मिल रहा है ना हमें जो चाहिए? हाँ नहीं, क्या 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 नहीं, क्या मतलब, क्या मतलब ये कि अभी तक जब तक पूर्वी को लग रहा था कि नेत्रा का बॉयफ्रेंड पिक्चर में है, वो पेपर्स पे साइन कर देती, वो डिवोर्स दे देती, क्योंकि उसे ये लगा कि ज्यादा क्या ही होगा, तो मंडप तक जाके मना कर दो कि आफ्टर ऑल तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो, शादी तो करोगी नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, क्यों करेगी वो साइन पेपर्स पे, उसे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे दिमाग के हिसाब से आरवी बेस्ट है, तुम बिल्कुल हाँ करोगे उससे शादी करने के लिए, तुम्हारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट केस सिनेरियो, तो अब प्रॉब्लम होगी, अब सारा प्लान उल्टा पड़ सकता है, फ्लॉप हो सकता है। क्या 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 तुम हो, क्या तुम ही उल्टी हो, पर कब
से यार तुम समझ में नहीं, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा तुम क्या बोल रहे हो। कभी ये बोल रहे हो, कभी वो बोल रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे थे जैसे कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल चुका हो, कि जैसे हमारा प्लान का सॉल्यूशन मिल ही गया है, और अब बोल रहे हो कि प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ये तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। मैं खुश इसीलिए हो रही थी क्योंकि मुझे फाइनली पता चल गया कि पूर्वी एकदम से इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी कैसे हो गई। मुझे ना उसकी चाल समझ में नहीं आ रही थी, फाइनली मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया था सोच सोच के कि वो डिवोर्स देने के लिए रेडी कैसे हो गई। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि उसकी चाल क्या थी, वो क्या नाटक कर रही थी, इसीलिए मैं खुश हो रही थी। मैंने फाइनली पजल फिगर आउट कर लिया। मैंने पहले भी बोला, फिर बोल रही हूँ, तब उसे लगा कि चलो तुम मंडप तक चली जाओगी पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए मना कर दो क्योंकि तुम प्यार करती हो, पर अब जब उसे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो नहीं करेगी डिवोर्स पेपर्स पे साइन। एक सेकंड, तो मतलब हमारा खेल खत्म? क्योंकि पूर्वी को पता चल चुका है कि इसका और इसके बॉयफ्रेंड का तो ब्रेकअप हो गया है, इसलिए नेहा तो अब सच में आरवी से शादी करना चाहेगी। तो फिर पूर्वी डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों करेगी? नहीं करेगी। एक मिनट, हो क्या रहा है? दोनों एक ही बात को रिपीट करे जा रहे हो। आ गया ना समझ? तो पहले दिमाग खराब, ऊपर से तुम दोनों आगे बढ़े। तुम ना बातों की गहराई को नहीं समझ रही हो। ये रिपीटेशन बहुत जरूरी है, जितना रिपीट करेगी उतनी क्लैरिटी आती है। तुमने वो गन्ने का जूस पिया? पता है गन्ने के जूस में, पता है वो बड़े बड़े होते हैं, वो बड़ा सा उसका मशीन होता है, उसमें गन्ना डालते हैं, तो गन्ना डालते हैं एक बार में पूरे गन्ने का जूस ही निकल जाता है। वैसे ही ना ये चीजों को हम बातों को हम रिपीट करते रहेंगे तो बातों ही बातों में बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तुम्हें सोचती रहो और हमें भी सोचना है। तो आइडिया देखा, निकल गए ना जूस, मतलब आ गया ना आइडिया। तुम्हें फिर एक बार एक्टिंग करनी पड़ेगी किसी चीज की। फिर से एक्टिंग? बाप रे। ओके, पूर्वी को लग रहा है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए अब प्रॉब्लम आ रही है, राइट? हम पूर्वी को ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। ऐसा ऐसा दिखाना पड़ेगा कि बस एक फाइट थी, उसके बाद थोड़ा पैचअप हो गया, बट उसे बिलीव करना बहुत जरूरी। अगर उसको यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है और नेत्रा उसके लिए खतरा नहीं है, तब वो साइन कर देगी पेपर्स पे। पॉइंट। होगा, कर पाओगी एक्टिंग? चैलेंज। पैदा ही डांसर और एक्टर हुई थी, ये क्या जो बोलो कुछ भी कर दूंगी। बस मैं आज आरवी के घर जाऊंगी, पेपर्स लेके हो जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।